आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह आज भी हम बात करेंगे वीकेंड बिजनेस की वीकेंड बिजनेस उन फिल्मों का जो लास्ट फ्राइडे रिलीज हुई थी और लास्ट फ्राइडे रिलीज हुई थी दो फिल्में तेरे नाल लव हो गया एंड जोड़ी ब्रेकर्स अफसोस दोनों फिल्मों की शुरुआत बहुत ही कमजोर थी अफकोर्स तेरे नाल लव हो गया वॉज बेटर देन जोड़ी ब्रेकर्स बट द फैक्ट रिमेन्स दैट दोनों फिल्मों का स्टार्ट काफी कमजोर रहा तो आइए पहले बात करते हैं तेरे नाल लव हो गया की तेरे नाल लाभ हो गया कि शुरुआत यानी फ्राइडे के, के कलेक्शन नेट ऑल इंडिया कलेक्शन की हम बात कर रहे हैं नॉट ग्रॉस कलेक्शन एंड नेट ऑल इंडिया कलेक्शन फ्राइडे के थे अप्रोक्सीमेटली वन पॉइंट सेवन फाइव करोड़ जी हां सिर्फ पौने दो करोड़ रुपए बिकॉज रितेश देशमुख जो कि इस फिल्म के हीरो है इज नॉट द हीरो हु कमांड्स एन इनिशियल उनकी सोलो स्टारर्स को अक्सर ओपनिंग नहीं मिलती है वैसे उनकी सोलो स्टारर्स बहुत कम रिलीज हुई है ही इज जनरली पार्ट ऑफ अ मल्टी कास्ट फिल्म और इसलिए इस सोलो स्टारर ने भी शुरुआत बहुत ही कमजोर ली स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इसका प्रमोशन बहुत ही बढ़िया था एंड वेरी एक्सटेंसिवली प्रमोटेड फिल्म प्लस इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इसके गाने बहुत ही मशहूर हो गए थे वेरी पॉपुलर म्यूजिक एंड हिट म्यूजिक बट द स्टार्ट वॉज एक्सट्रीमली स्लो वन पॉइंट सेवन फाइव करोड़ यानी पौने दो करोड़ फ्राइडे को सैटरडे को क्योंकि रिपोर्ट्स अच्छी थी कलेक्शंस करीब चालीस पैंतालीस प्रतिशत बढ़ गए एंड सैटरडे एंडेड एट अप्रॉक्सिमेटली ढाई करोड़ रुपए तो पौने दो करोड़ और ढाई करोड़ यानी दो दिन का टोटल फ्राइडे प्लस सैटरडे का टोटल था सवा चार करोड़ संडे को सैटरडे से भी ज्यादा कलेक्शन हुए अप्रॉक्सिमेटली पिकअप ऑफ ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट एंड संडे क्लोज हुआ एट सवा तीन करोड़ रुपए यानी सवा चार प्लस सवा तीन द वीकेंड वॉज ऑफ सेवन एंड हाफ करोड़ जैसा हमने आपको फ्राइडे को भी बताया था ये कलेक्शंस के कारण टिप्स का फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल नहीं बदलेगा बिकॉज टिप्स ने इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड राइट्स यू को बेच दिए थे एंड इन फैक्ट दे मेड अ प्रॉफिट अ टेबल प्रॉफिट ऑफ फाइव करोड़ ऑफ रुपीज प्लस म्यूजिक राइट्स उन्होंने ही रिटेन किए बिकॉज आफ्टर ऑल टिप्स इज अ म्यूजिक कंपनी आल्सो तो फाइव करोड़ उन्होंने कमाए बाय सेलिंग द राइट्स टू यूटीवी एंड जो भी म्यूजिक से कमाएंगे वो भी उनका प्रॉफिट है एज फार एज यूटीवीज कंसर्न यूटीवी ने इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स करीब नौ करोड़ रुपए में बेच दिए थे देर टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्वेंटी करोर एंड आठ करोड़ रुपए में ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ इंडिया के टेरिटरीज उन्होंने बेच दी थी सो नाइन प्लस एट सेवेंटीन करोड़ उन्हें रिकवर करना बाकी तीन करोड़ रुपए थे एंड फॉर दैट दे हैर दी ओवरसीज राइट्स दिल्ली यूपी राइट्स ईस्ट पंजाब एंड सीआई टेरिटरी राइट्स अब इन कलेक्शंस को देखते हुए ऐसे लगता है कि यू टीवी जस्ट माइट सक्सीड इन ब्रेकिंग इवन यूएस यूके में भी इस फिल्म ने वीकेंड में ठीक ठाक बिजनेस किया इट वॉजेंट एज बैड एज वॉज एक्सपेक्टेड टू बी बिकॉज इट्स अ सोलो रितेश देशमुख स्टार पर ऑफकोर्स इट वॉज एन वेरी गुड ऑल्सो तो ऐसे लगता है कि यू टीवी विल जस्ट अबाउट ब्रेक इवन टिप्स के करीब छह सात करोड़ साढ़े सात करोड़ रुपए का प्रॉफिट है मगर जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने यूटीवी से टेरिटोरियल राइट्स बहुत अच्छी प्राइस देकर खरीदे हैं उनको लॉस जरूर होगा बिकॉज द स्टार्ट इट सेल्फ अ सोप वर खैर इस फिल्म की रिपोर्ट्स एटलीस्ट अच्छी है